जय सीताराम। हमने आप लोगों को जंगलों में घूम घूम कर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों और वनौषधियों से आपको रूबरू कराते, हम पेट्रोल भराते अपने पैसे से, और बहुत जगह पर हम ऐसे घूमते हैं। इसलिए घूमते हैं कि आपको हम वनस्पति की जानकारी दे सके, और जो छुपे हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में ऐसे सारी वनस्पतियों के बारे में खोज करके आप लोगों को हम दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है जन कल्याण, सेवा के लिए है, आप सबके कल्याण के लिए, एक एक दूसरे के आयुर्वेद के प्रति प्रेम बढ़े और वन संपदा का रक्षण और संरक्षण हो सके, यही हमारा मकसद है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वनस्पति के दरमियान में गरुड़ के बारे में। गरुड़ के बारे में कई प्रकार की गरुड़ होती है, और जो हमारे हाथ में है ये गरुड़ है, गरुड़ की पत्ती है, ये देखिए ओरिजिनल गरुड़। और इसी के समान एक और बड़ा वाला होता है, लेकिन वो भी औषधि काम में आता है, जिसको हम टोटला के नाम से जानते हैं। तो इस गरुड़ की एक वनस्पति फायदे हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख तो कम मिलता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं इसके आसपास सर्प नहीं आता, सर्प भी अगर आ जाए तो उसकी मृत्यु डेट हो जाती है। और इसकी पत्ती में एक खासियत है, जिस किसी को सर्प ने काट लिया हो तो उसको पिलाने से और उस जगह पर लगाने से सर्प विष तुरंत उतरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि यह गरुड़ का वृक्ष मैंने अधिकतर छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में देखा है, और हमारे महाराष्ट्र में क्या हमारे मित्र महोदय है, उसने भी उसकी दादी मां ने उसको बताया था, तो मेरे से संपर्क किया, तो मैं बोला हाँ भाई मिलता है ऐसे करके, तो इस तरह से मिलता है। और इसकी बाकी जो प्रोसेस है हमारे आदरणीय ऋषि साहू जी कांकेर जिला बस्तर क्षेत्र से है, वो आपको बताएंगे। देखिए ये गरुड़ का पेड़ है, और इस तरह से पत्ते आपको शिवनाक में भी दिखेंगे, मतलब स्पष्ट है कि शिवनाक, पाटला और ये गरुड़ ये भाई भाई हैं, मतलब इनका प्रजाति एक है, पर इसके फल के स्वभाव से ही इनको पहचाना जा सकता है, फल और फूल के स्वभाव से। तो इसका उपयोग खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग सर्प विष में करते थे, और ये वास्तव में जो ये गरुड़ का जो फली है ये ओरिजिनल गरुड़ है, बाकी जो सब और भी बताते हैं वो गरुड़ वास्तव में है, पर ये असली गरुड़ है ऐसा मुझे ये प्रतीत हुआ, क्योंकि इसके फली के स्वभाव से ये अलग रहा है। और हमने भी इस पर हमने एक बात बता दे रहे हैं, रिसर्च हमने किया है, और हमारे घर बड़े बुजुर्ग इसको रखते हैं, और किसी भी स्थिति में अगर सर्प विष ने का सर्प विष हो गया हो तो भी ठीक होता है। या गोहरा नाम की एक गोह नाम की जानवर होती है जो गिरगिट समान होता है, उसका विष को भी ये उतारता है, यह प्रमाणिकता है, मजाक का विषय नहीं है। बाकी बात को हमारे आदरणीय काम तक कौशिक जी का बयान कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए। जी आप तो समझ ही गए होंगे, ये है गरुड़ का पेड़ सबसे उच्च क्वालिटी का, इसके आसपास सर्प क्या कुछ भी भटक नहीं सकता, जहरीले सर्प होंगे वो भटकेगा नहीं, और इसके बीमारी में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पीलिया में इसका छाल का आप काढ़ा बना के पिला देंगे ना, तो दो तीन बार पिलाने से उसका पीलिया रोग समाप्त हो जाता है। और कैमरा मैन से निवेदन करूंगा इसके पौधे को करीब में आकर अच्छे से दिखाइए, ये पौधे को एक छोटा प्रजाति है, वे बड़ा है, ये बड़ा वृक्ष है ये पौधा रास्ते के पास में देखा छोटे, और आसपास बहुत सारे वृक्ष हैं, और यहाँ हमारे आसपास में इतना सारे पेड़ है हम गिन नहीं सकते, इतना गरुड़ पेड़ है यहाँ पर। तो भाई लोगों आपने अच्छी तरह से गरुड़ की पहचान की, और हमारे छत्तीसगढ़ में ही अधिकतर मिलता है, और अभी इसमें फूल आने वाला है, ये पत्ती को देखिए, शिवनाक ये दोनों भाई है, सगा भाई ये अपनी एक ही माँ से कोख से निकला हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमने आपको अच्छी तरह से जानकारी दी, और आप सभी को हमें वीडियो समाप्त करता हूँ, राम राम जय सीताराम।